जो भी अधूरे काम का उद्घाटन करेगा उसको मारेंगे जूते, कहा रीवा सांसद ने। तो रीवा सांसद का बचाव करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, सांसद जी ने तो यह अब बोला है, कांग्रेस में यह रोज की बात है। हम आपको बता दें, 25 फरवरी को सुपर अस्पताल की ओपीडी प्रारंभ करने रीवा जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया आ रहे हैं। 8 डॉक्टरों के साथ आधी अधूरी सुपर अस्पताल का आगाज होने जा रहा है। सांसद का बयान इसी को लेकर था। हम आपको बता दें, रीवा के निराला नगर में भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। नेता प्रतिपक्ष, रीवा सांसद, पूर्व मंत्री सहित भाजपा के समस्त विधायक भारी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। सांसद रीवा 25 फरवरी को सुपर अस्पताल के ओपीडी के शिलान्यास को लेकर बोलते बोलते क्या बोल गए, आप भी सुनिए। कर्मचारी और डॉक्टर और कर्मचारी अभी नहीं मिल पा रहे, ढूंढ रहे हैं। जिस दिन से प्रदेश सरकार बनी उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उद्घाटन करने आ रहे हैं। मैंने बता दिया है कि उद्घाटन करने का कोई बिना अधूरे काम के आएगा तो जूता करके खा करके जाएगा। तो नहीं नई राजनीति करेगी रीवा में। 15 साल हो गए हम लोगों को कहते हैं प्रणाम कर लेते हो, अरे पार्टी की सरकार है प्रणाम कर रहे हैं, नहीं हमसे कहा तो नहीं मार। उद्घाटन करने का कोई बिना अधूरे काम के आएगा तो जूता करके खा करके जाएगा। तो सुना आपने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल, नहीं सुना तो फिर से सुनिए रीवा सांसद की बात और नेता प्रतिपक्ष का जवाब। कांग्रेस पार्टी में जब आपस में जूतेबाजी हो रही है तो अब सांसद क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जब आपस में जूतेबाजी हो रही है तो अब सांसद क्या कर सकते हैं।